हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नारियल की बर्फी की रेसिपी लाया हूँ। इस वीडियो की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज इसे हम हलवाई से जानेंगे बिल्कुल कम समय में और बेहतर तरीके से बर्फी कैसे बनाएं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये बर्फी और हेल्दी भी है, क्योंकि नारियल में बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दे। इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। नारियल की बर्फी के लिए पहले चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैदे की बर्फी भी बनाई गई है, इसी की चाशनी तैयार की जा रही है। इसी चाशनी में से नारियल की बर्फी की चाशनी भी ली जाएगी। मैदे की बर्फी की रेसिपी भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। चाशनी कैसी रखनी है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। हम यहाँ पर 500 ग्राम नारियल पाउडर की बर्फी बना रहे हैं। इसके लिए हम 250 ग्राम चीनी लेंगे, इसमें 100 ग्राम पानी डालेंगे और इसको एक तार की चाशनी होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। चाशनी में उबाल आने के बाद इसमें 1 ग्राम रंग काट डाल दिया है। रंग काट से चाशनी चमकदार बनेगी। अब इसको उबलने देंगे। इसके ऊपर जो झाग बनेंगे उनको उतारते रहेंगे। अब चाशनी पकने के बाद आप देख सकते हैं, मैदे की बर्फी की चाशनी इस तरह की होती है, मोटे तार की। लेकिन नारियल की बर्फी के लिए पतला तार चाहिए, इसीलिए नारियल की बर्फी की चाशनी में थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला कर लेंगे। नारियल की बर्फी की चाशनी इस तरह की होनी चाहिए। इसको जब हम उंगली अंगूठे से चेक करेंगे तो पतला तार बनेगा, आप देख सकते हैं। अब चाशनी तैयार है, बर्फी बनाते हैं। बर्फी के लिए 500 ग्राम नारियल पाउडर लिया है, इसको निकाल लेंगे किसी बर्तन में। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं या फिर थोड़ी सफाई चाहते हैं बर्फी में जैसे मार्केट में मिलती है, तो इसमें 100 ग्राम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैदे को घी में भूनेंगे, मैदे के बराबर घी के साथ इसको भूनेंगे। फिर थोड़ा ठंडा होने पर नारियल पाउडर ऐड कर देंगे। नारियल पाउडर की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि नारियल की बर्फी बनाएंगे तो नारियल का टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर प्योर कोकोनट पाउडर की बर्फी बन रही है। ये बर्फी थोड़ी खुरदरी सी बनती है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब बर्फी को जमाने के लिए किसी ट्रे में इस तरह से रिफाइंड ऑयल लगाकर तैयार कर लेंगे। अब नारियल पाउडर में चाशनी डाल देंगे इस तरह से। चाशनी गरम ही डालेंगे, इसको साथ के साथ मिक्स करते जाएंगे। नारियल पाउडर चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्स करने के बाद इसको ट्रे में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी ट्रे बड़ी है तो इसको एक साइड में हम सेट कर लेंगे। ऊपर से किसी पॉलिथीन की मदद से इसके सरफेस को चिकना कर लेंगे इस तरह से, और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद बर्फी के आकार में इसको काटेंगे। अब बर्फी ठंडी हो चुकी है, इसको आप अपने मनपसंद आकार में काट ले। यहाँ पर चकोर पीसीज में काटा जा रहा है। 10 केजी बर्फी की रेसिपी के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हुई है। आप भी बर्फी को घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। आपकी बर्फी कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में ही घंटी का बटन भी दबा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।